वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम लोग अभी हैं सुखना लेक में चंडीगढ़, आपको पता ही होगा इसके पहले का वीडियो अगर देखा है तो। और लाइक सुखना व्लॉग मैंने सुखना लेक आपको दिखाया था इसके पहले, तो अभी हम लोग थोड़ा मतलब सुखना लेक पे ही हैं, वो वीडियो एंड कर दिया था। थोड़ा अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे रॉक गार्डन, एंड पहले तो थोड़ा बहुत खाते पीते हैं क्योंकि और रात में ट्रेन में बैठे थे और तो ज़्यादा वहाँ खाया नहीं, अभी भूख भी बहुत तेज लगी, तो वहाँ अभी लोग हम खाने चलते फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा यार, ऐसे देखा जाए ये देखो पब भी इसके अंदर छोटा सा बनाया हुआ है, और यहाँ पे खाने के लिए भी है, शॉपिंग थोड़ा बहुत करने के लिए अंदर है। अभी हम दिख रहे हैं, बस दोस्त ना मेरा ब्लॉग शूट कर रहा है तो इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ अभी, बस चलते हैं यार। अभी यार यहाँ पे इतनी गर्मी है भाई, यूपी से आया अपने घर से लखनऊ वगैरह से, यहाँ पे अभी बहुत ही गर्मी है यार। तो अभी यहाँ पे जो आज वन डे मतलब आया था तो नॉर्मल सी बात है, चंडीगढ़ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे ही, तो यहाँ पे करते हैं या फिर निकलेंगे यहाँ से मनाली या फिर शिमला के लिए, जो भी डायरेक्ट बस मिलेगी तो वही डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे फिर। तो यहाँ पे है कुछ खाने वगैरह वाला, चल यहाँ पे पिज्जा सब मोमो बहुत कुछ खाने को है यार, बट हम लोग देखते हैं क्या खाएंगे, राहुल क्या खिलाता है, इसका क्या आता है चॉइस। यार बहुत देरी के बाद इतनी भूख लगी थी, तो हम लोग आए किसी रेस्टोरेंट में, यही जो सुखना लेक में ही है ये, इसका प्राइस देखते हैं कुछ सही खाने वाला था तो खाते हैं यार। नॉर्मली भूख भी बहुत तेज है, तो देख रहा है क्या चूज कर रहा है खाने के लिए, इसका प्राइस उसे देखा तो सही है यार, मतलब टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से सही है। तो रेस्टोरेंट में हम लोग जाने खाने गए थे, पिज्ज़ा तो था ही नहीं उसमें, मेनू में नहीं था, तो हम लोग चले आए पिज्ज़ा से, हम लोग पेट फुल करेंगे आज पिज्ज़ा से। हाँ यार कभी कभी कुछ ऐसा खा लेते हैं हम लोग, राहुल मतलब ठीक है यार खाते हैं फिर आपसे बात। तो गाइस फाइनली हम लोग सुखना वगैरह देख लिए, हम लोग चल रहे हैं रॉक गार्डन, यहाँ से 1 किलोमीटर है तो कि बाई वॉक पैदल भी जा सकते हैं, और पीछे हमारा रिक्शा भी है तो रिक्शा भी ले सकते हैं। तो हम लोग यार अभी सिटी घूमना है, थोड़ा पैदल वगैरह ही जाएंगे क्योंकि नियर बाई है तो क्या फ़ायदा, सुखना लेक ठीक है चिल करने के लिए, और वहाँ पे लाइक वो करने के लिए क्या बोटिंग वगैरह करने के लिए, बट रॉक गार्डन भी अच्छा है, रॉक गार्डन देखते हैं चल के फिर वहाँ से निकल जाएंगे हम लोग मनाली, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, रात भर सही से सोने भी आता है हम लोग, वो थके हैं यार पहले वो, तो बस यहाँ पे हैं जो कवर कर ले फिर यहाँ से निकल चलेंगे आराम से भाई, और क्या मस्त ट्रैवल करेंगे हम लोग मनाली, वहाँ को व्लॉग देखेंगे भाई ना। चंडीगढ़ इंडिया में नंबर 2 पे है क्लीन सफाई में, और रियली हाँ साफ है, बहुत ही क्लीन सिटी है कह सकते हो आप, रियली यार देख के चंडीगढ़ घूम के अच्छा लगा, लाइक सफाई भी बहुत है और सही है आपको भाई वीडियो से। देखो भाई चारों तरफ मतलब रोड बिल्कुल क्लियर, अच्छी सी सफाई भी एक बढ़िया यार, इसलिए भाई आई एक्चुअली फर्स्ट टाइम घूम रहा हूँ ना, तो फिर भी जो भी है सही है। ये है रॉक गार्डन का एंट्री, और अभी यहाँ पे तो ऐसे है नहीं ये टिकट काउंटर, आई डोंट नो है कि नहीं यार, मुझे लगा था होगा जरूर, ये टिकट काउंटर है 30 रुपीज़ उसका प्राइस है, बच्चों का 10 रुपये सही है यार। यस वी आर टेकिंग, टिकट ले लिया हम लोगों ने 30-30 रुपये का पड़ा, 60 रुपये के 2 सही है, बच्चों के 10 ही 10 है, तो ठीक है यार अब देखते हैं, अभी अंदर चलते हैं इसके अंदर देखते हैं कैसा होगा, लाइक बेस्ट है इस जगह का रॉक गार्डन, जाना माना रही है टूरिस्ट प्लेस। तो गाइस ये देखो घर इसके बाहर ही रॉक के मूर्तियाँ बनी हैं, जंत्री मंत्री जी बैठे हैं, तो हम लोग एंट्री करते हैं यार। सो फाइनली वी आर इन रॉक गार्डन, स्टार्ट हो गया, देखो पत्थरों का सब कलाकृति बनी हुई है, सारा रॉक गार्डन मीन्स पत्थर से जो भी है बना होगा, तो यार स्टार्टिंग में ये दिख गया सब, लाइक अंदर देखते हैं कैसा अभी यार, अब पता है धूप इतनी है यार हालत बेकार हो रहा है, दे आपको पता ही चल रहा होगा शायद मेरे शब्दों से। गाइस देखो यहाँ मटकियों से कितना अच्छा अच्छा बनाया हुआ है यार ये कलाकृति, हर दीवार पे लिखना नहीं है भाई, एंड यहाँ पे साइलेंटी थोड़ा बनाए रखना सही है यार, सोना वैसे ज़्यादा नहीं चाहिए सबके, कितना अच्छा लगता है यार इसका डिज़ाइन, लाइक मटकियों से डिज़ाइन बनाई हुई है, सारा रॉक पत्थर का है बना, सारा पत्थरों का बना हुआ है। ये तो बिल्कुल छोटी सी गुफा है, वी आर गर्लफ्रेंड्स गोइंग इन दिस केव। अच्छा इधर है ये झरना,
यहाँ पे जाना है ना, यहाँ पे प्रोसेसन वगैरह होता है लाइक बनाया हो लाइक कितना छोटी सी गली है वो। माय गॉड, सॉरी। ये जो है डॉल म्यूजियम है, ये एक साथ से डॉल बनी है ये रॉक्स पत्थरों की, बट यहाँ से एग्जिट करते हैं यार। अब बहुत हो गया यार भाई, ये जो देखो पत्थरों की रॉक्स बन की मूर्तियाँ देखो कितनी अच्छी अच्छी बनी यार ये इसे डॉल म्यूजियम बोलते हैं इस हिसाब से जैसे कि लड़ने चल रही है सब। चलो चले फाइनली हम लोगों को एग्जिट। अरे चलो यार। सो फाइनली आपने रॉक गार्डन देख लिया, मैंने भी देखा, अच्छा ही था। वेल रिकमेंडेड प्लेस है, ठीक है, बट यार धूप में हालत बेकार हो जाती है। लाइक आओ तो थोड़ा मॉर्निंग या फिर शाम टाइम हो जब धूप ज़्यादा ना हो। सच में यार घूमे घूम के हालत बेकार हो गया, ठीक है। सो हाँ, आई थिंक यू लाइक इट, आपको अच्छा ही लगेगा भाई। और चार्जेस भी बताया था 30 है। और यहाँ से अभी हम लोग देखेंगे बस स्टैंड जाएंगे, वहाँ से शिमला मनाली कहीं भी मिलता है डायरेक्ट बस तो चले देंगे, और आपसे आपको भी मिलेंगे। तो चले अभी यार, चलो राहुल चले हम लोग बस स्टैंड। बस स्टैंड चले एंड भाई बस चंडीगढ़ का तो इतना ही मेरा हिसाब से टूर था। सो आई थिंक जो भी था सो बेस्ट ही था, दो प्लेस विजिट किए अच्छा ही है यार। और क्योंकि नॉर्मल से इधर से निकल रहा था, कोई यहाँ आने का प्लान नहीं था, लाइक यहाँ पे एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं था, इतना धूप से हम वैसे धूप को नकार रहे हैं, धूप से भाग रहे हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ से निकले हम लोग मनाली कुल कुल पहाड़ियों में वादियों में घूमे चल के। सो हाँ, आई थिंक वीडियो यहाँ पे हम लोगों को भाई ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, चंडीगढ़ टू चलेंगे आई थिंक लाइक हिमाचल, हिमाचल में शिमला या मनाली जो डायरेक्ट बस मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा कि हम लोग मनाली पहुँच रहे हैं या शिमला। सो इस वीडियो में अगर आप यहाँ देखें अभी तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।